Assalamu alaikum. It's me, lecturer Dhru Mohammad, University of Balochistan. Today we will discuss about the type of X-rays, or we can say characteristic X-rays. Okay? Discussion start karte hain about the characteristic X-rays. Yaad rakhi, aapke paas humne padha tha pichle lecture mein ki jab bhi fast moving electron aata hai, wo kya karta hai? Is इनर्शियल इलेक्ट्रॉन को या के से या एल से या एम से निकाल देता है. लेट्स सपोज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अभी के से. जब ये आता है के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो हमारे पास ये के क्या हो जाती है, वेकेंट हो जाती है. अब इस के को फिल अप करने के लिए ऊपर एल शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, एम शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा और एन शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा. और जब ये शेल, ये इलेक्ट्रॉन इन शेल से आते हैं तो इस दौरान हमने पढ़ा था कि जब ऊपर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे शेल में आता है तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इमिट हो जाती है और वो एनर्जी आज निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे. तो याद रखिए, ये वाली चाहे एल से आ रही है के में, चाहे एम से आ रही है के में, चाहे एन से आ रही है के में, सच सीरीज इज कॉल्ड इज के एक्सरे सीरीज. अब के एक्सरे हमारे पास तीन तरह की है. याद रखें, जब आपके पास इस सेकेंड के शेल में एल शेल से इलेक्ट्रॉन आता है, यहां पर देखिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन आता है के में, तो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं, उस एक्सरे को हम कहते हैं, दिस एक्सरे इज कॉल्ड के अल्फा एक्सरे. क्या नाम है? के अल्फा एक्सरे. जब इलेक्ट्रॉन एम शेल से आएगा के में, एल से नहीं, एम शेल से आएगा के में, तो जो एनर्जी यहां से देखिए एम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ किस में, वीकेंड के शेल में, तो इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, तो इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं के बीटा एक्सरे. क्या बोलते हैं? के बीटा एक्सरे. इसी तरह अगर आपके पास एम शेल से, तीसरे शेल, चौथे शेल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा पहले शेल, वीकेंड के शेल में, देखिए आया और इस दौरान क्या हुआ, जो एनर्जी निकलेगी, जो एक्सरे निकलेगा, दैट विल बी समहाउ वेरी एनर्जेटिक एक्सरे और उसे हम कहते हैं के गामा एक्सरे. क्या बोलते हैं? के गामा एक्सरे. दोबारा सुन ली, जब आपके पास एल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है किस में, के में, तो जो एक्सरे निकल रही है उसे हम क्या बोल रहे थे, के अल्फा एक्सरे. और अगर एम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वीकेंड के में, तो यहां से जो एनर्जी निकल रही है, एम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस में, के में, तो यहां से जो एनर्जी निकल रही है, एक्सरे निकल रही है, सच एक्सरे इज कॉल्ड एज के बीटा एक्सरे. क्या कहलाती है? के बीटा एक्सरे. और थर्ड हमने कहा कि जब आपके पास एन से इलेक्ट्रॉन आएगा वीकेंड के में, एन से इलेक्ट्रॉन आएगा वीकेंड के में, और यहां से जो एक्सरे इमिट होगी, जो एनर्जी इमिट होगी, सच एनर्जी, सच एक्सरे इज कॉल्ड एज के गामा एक्सरे. क्या कहलाती है? के गामा एक्सरे. जी, आप जरा दूसरे केस को देखिए. देखिए, जब आपके पास क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, इफ द एल इज वीकेंड, अगर आप इलेक्ट्रॉन आ जाए और क्या कर दे, इस एल से इलेक्ट्रॉन निकाल दे और इस एल को क्या कर दे, वीकेंड कर दे. अब आपके पास एल वीकेंड है और एल के ऊपर क्या है, एम है, एन है और क्या है, ओ है. याद रखिए, एल के ऊपर एम है, एन है और ओ है. तो याद रखिए, जब आपके पास इस एम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इस एम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस में,
एल में, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, इस एल से जो एनर्जी निकलेगी, यहाँ जो एनर्जी निकलेगी यह हमारे पास हाई वेवलेंथ वाली एनर्जी है और इसे हम बोलते हैं एल अल्फा एक्सरे। क्या कहलाती है? एल अल्फा एक्सरे कहलाती है। यहां जो दूसरी हमारे पास, अब अगर एन से इलेक्ट्रॉन आएगा एल में, अगर एम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस में, एल में, तो यहाँ जो एक्सरे निकलेगी, यहाँ जो एक्सरे निकलेगी, सच एक्सरे इज कॉल्ड, सच एक्सरे इज कॉल्ड, सच एक्सरे इज कॉल्ड, सच एक्सरे इज कॉल्ड, सच एक्सरे इज कॉल्ड एल बीटा एक्सरे। क्या कहलाती है? एल बीटा एक्सरे कहलाती है। और जब आपके पास लास्ट केस देखिए, जब आपके पास ओ से इलेक्ट्रॉन आएगा एल में, कहां से? ओ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसमें? एल में। तो यहां देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहां इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो हमारे पास बहुत ही एनर्जेटिक एक्सरे होगी, वो हमारे पास बहुत ही एनर्जेटिक एक्सरे होगी, सच एक्सरे इज कॉल्ड, सच एनर्जेटिक एक्सरे इज कॉल्ड एल गामा एक्सरे। क्या कहलाती है? एल गामा एक्सरे कहलाती है। इसी तरह हमारे पास इस एल अल्फा एल बीटा एल गामा को हम कहते हैं एल सीरीज। क्या बोलते हैं? एल सीरीज ऑफ एक्सरे। इसी तरह हमारे पास एम सीरीज भी बनेगी। अगर एम शेल खाली हो जाए तो एन से, ओ से और पी से इलेक्ट्रॉन आएंगे वन बाय वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस सीरीज वुड कॉल एज एम सीरीज। हम क्या कहेंगे? एम सीरीज ऑफ एक्सरे। अब जरा डिस्कशन करते हैं कि के एक्सरे के सीरीज हमारे पास एनर्जेटिक है या एल सीरीज एनर्जेटिक है या क्या है हमारे पास एम सीरीज एनर्जेटिक है। तो जरा बात करते हैं, हमें देखिए सुन लें, आपके पास जितना एक्शन न्यूक्लियस के करीब होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस। याद रखें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से एक नज़दीक वाले शेल में जाएगा, मीन एल जो है वो सब के जो है वो सबसे नज़दीक है, जब के में आता है किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन के में आता है तो वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हो जाता है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालता है। इस वजह से हमारे पास याद रखिए के सीरीज, याद रखिए के सीरीज, याद रखिए के सीरीज ऑफ एक्सरेज, के सीरीज ऑफ एक्सरेज इज मोर एनर्जेटिक, मीन के अल्फा के बीटा एंड के गीमा, ये तीनों के गामा, ये तीनों हमारे पास क्या है? मोर एनर्जेटिक है। किससे? एल सीरीज से। किससे? एल सीरीज, एल सीरीज। और एल सीरीज फिर मोर एनर्जेटिक है एल अल्फा एल बीटा और एल गेमा, ये फिर तीनों मोर एनर्जेटिक है किस वाले से? एम वाले से, एम सीरीज से, एम अल्फा एम बीटा एंड एम गामा सीरीज से, एम गामा से। सो दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर यू है कि के सीरीज इज मोर एनर्जेटिक देन एल सीरीज, एल सीरीज इज मोर एनर्जेटिक देन एम सीरीज। वजह क्या है? दोबारा फिर वजह सुने कि जब आपके पास एक क्लोजर, याद रखिए के बहुत न्यूक्लियस के करीब है, तो के में जब से इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे ऊपर से तो बहुत न्यूक्लियस के करीब आते हैं और यहाँ पर इनके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास? द energy will release in a higher amount as compared to L series, as compared to M series. M बहुत दूर है, L उससे नज़दीक है, हमारे पास के सबसे ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के। तो जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन आता है उतनी ही ज़्यादा क्या एनर्जी क्या करेगा? निकाल देगा, जिसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा? K series is more energetic than L series, L series is more energetic than M series. अब आते हैं जरा लास्ट डिस्कशन की तरफ।
अब के सीरीज के अंदर तीन हमारे पास एक्सरेज थी, के अल्फा, के बीटा एंड के गामा। अब के अल्फा, के बीटा एंड के गामा में कौन एनर्जेटिक है, ये सबसे अहम पॉइंट है हमारा। के अल्फा, के बीटा एंड के गामा में सबसे मोर एनर्जेटिक कौन है, जरा हम ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक, जरा यहां पे कंसीडर कर ले, यहां पे देखिए के अल्फा जब इलेक्ट्रॉन एल से आ रहा था के में, तो के अल्फा हमारे पास एनर्जी आ रही थी। जब एम से आ रहा था के में, तो के बीटा एक्सरे थी। जब एन से आ रहा था के में, तो हमारे पास क्या थी, के गामा एक्सरे थी। याद रखिए, जाना सबने किस में, के में, मतलब क्लोजर हो जाना एक ही डिस्टेंस पर। तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन जहां से भी आ रहे हैं, उन्होंने क्या होना है, के में आना, मतलब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट दोनों का फाइनल पॉइंट सेम है। अब ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा एल से आएगा के में, तो ये देखिए ये नजदीक है, इतना एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा इसमें, तो याद रखिए के अल्फा एक्सरे से हमारे पास जो एनर्जी निकलेगी वो हायर लेमडा वाली एनर्जी होगी, हायर वेवलेंथ वाली एनर्जी होगी, और हायर वेवलेंथ वाली एक्सरे होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, कम होगी। याद रखें, इसके मुकाबले में जब अगर हम देख लें के, अगर एम से आ रही है के में, ये देखिए के और एम के मापन क्या है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, एनर्जी डिफरेंस भी हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा आएगा अगर आप कैलकुलेट कर भी ले तो। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कॉमन सेंस की बात है, जब दूर से आएगा इसी के में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी हमारे पास हाई लोअर वेवलेंथ वाली एनर्जी निकल जाएगी, एक्सरे निकल जाएगी। सच एक्सरे स्कॉलेस के बीटा एक्सरे, और याद रखिए के बीटा एक्सरे इज मोर एनर्जेटिक देन के अल्फा एक्सरे। बता के समझ, तीसरे और लास्ट पॉइंट को जरा कंपेयर करते हैं, के गामा। अब के गामा देखिए, अल्फा और बीटा एक्सरेज के मुकाबले में के गामा सीरीज हमारे पास बहुत ही दूर है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा किस में, के शेल में, तो यहाँ से जब एनर्जी निकलेगी, याद रखिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ही हायर क्वांटिटी की, और हमारे पास हायर लोअर वेवलेंथ वाली। सच एक्सरे इज कॉल्ड एज के गामा एक्सरे, और के गामा एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज इट हैज़ मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के एंड एन शेल। के से एन में जो इलेक्ट्रॉन एन से के में आ रहा है, यहाँ पर एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब वो आएगा तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, निकल जाएगी, एनर्जेटिक रे एक्सरे निकल जाएगी। सच दैट्स व्हाई वी से दैट के गामा एक्सरे इज, हम लिख लेंगे, ऑर्डर लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, के गामा एक्सरे, के गामा एक्सरे इज मोर एनर्जेटिक देन के बीटा एक्सरे। किस ज़्यादा है, के बीटा एक्सरे से ज़्यादा है एनर्जेटिक है, और के बीटा एक्सरे फिर ज़्यादा एनर्जेटिक है हमारे पास किससे, के अल्फा एक्सरे से, किससे, के अल्फा एक्सरे से। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर एंड दिस इज द ऑथेंटिक ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ के सीरीज ऑफ एक्सरे। के सीरीज ऑफ एक्सरे का ये हमारे पास, के गामा इज मोर एनर्जेटिक देन के बीटा, एंड के बीटा इज मोर एनर्जेटिक देन के अल्फा। So this was all about the characteristics X-rays and their energy, their frequency, each and everything I have discussed over here. Thank you so much. Thank you so much for watching my video. Kindly subscribe my channel and click the icon bell to receive more and more videos about the chemistry. Thank you so much. Allah Hafiz.